नमस्कार जी, मिर्ज़ापुर ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज हम मोती चूर के लड्डू बनाएंगे, चलिए शुरू करते हैं। ये कटोरी हमने बेसन लिया है, इसका घोल बनाएंगे। ये कटोरी ही हमने पानी लिया है, थोड़ा थोड़ा डाल के घोल बनाएंगे हम। थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे ताकि गुठलियाँ ना हो, साथ साथ मेल्ट हो जाएंगी। पतला घोल तैयार करना है हमें, पहले भी इस तरीके से गुठलियाँ खत्म कर देंगे, इसकी एकदम से स्मूथ बना लेंगे इसको पहले, ताकि कोई भी गुठली ना रहे इसमें। अभी आधी कटोरी पानी डाला है हमने इसमें, देखिए एकदम से गुठलियाँ खत्म हो चुकी है इसमें। अब ये वाला पूरा पानी डाल देंगे इसमें, धीरे धीरे हिलाएंगे इसको, पतला बैटर तैयार करेंगे इसका। वो पतली बूंदी बनाने के लिए बैटर पतला होना चाहिए। अभी भी हमारा घोल गाढ़ा है, थोड़ा पानी डालेंगे और चुटकी भर कलर डालेंगे इसमें। ये ऑरेंज कलर डाला है हमने इसमें, थोड़ा कलर डार्क हो जाएगा। अभी थोड़ा पानी और डालेंगे इसमें, क्योंकि हमें बैटर पतला चाहिए थोड़ा। आधी कटोरी और लिया था हमने पानी, थोड़ा से डालेंगे पहले। देखिए इस तरीके से हमारा बैटर होना चाहिए, ना ज़्यादा गाढ़ा है ना पतला है। और कुछ भी नहीं डालना है हमें इसमें। तो चलिए बूंदी बनानी शुरू करते हैं। ये हमने बेसन का खाली पाउच लिया है, आज इससे बनाएंगे हम बूंदी, झारे से नहीं बनाएंगे। तो चलिए बनाते हैं इसको। ऐसे गोल गोल घुमाना है हमें, इस तरीके से गोल गोल घुमाते रहेंगे इसको। अभी इसको हिलाएंगे नहीं, थोड़ी पकने देंगे। थोड़ी देर पकने देंगे इसको। देखिए क्या बारीक बूंदी बनी है हमारी, देखिए। चलिए निकाल लेते हैं इसको। ये हमने जाली रख दी है इस पे निकालेंगे हम। देखिए हमारी बूंदी इसमें निकाल लेंगे ताकि तेल भी निकल जाए इसका। ये देखिए हमारी बूंदी बन चुकी है, एकदम बारीक बारीक बनी है। चलिए चाशनी बनाते हैं अब इसके लिए, इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। चाशनी बनाएंगे अब। ये कढ़ाई ली है हमने, एक कटोरी हमने बेसन लिया था, एक कटोरी चीनी है, उसी कटोरी से आधी कटोरी हम पानी ले रहे हैं। एक कटोरी बेसन में हमने एक कटोरी चीनी ली है हमने, इसकी चाशनी बनाएंगे। आप कम ज़्यादा आप देख सकते हो उसमें, आपके हिसाब से बना सकते हो, मीठा उस हिसाब से डाल सकते हो। चीनी मेल्ट हो रही है हमारी, अब इसमें थोड़ा कलर डालेंगे। थोड़ा फूड कलर लिया है हमने, ऑरेंज कलर लिया है। अच्छे से पकाएंगे इसको। एक कटोरी हमने बेसन लिया था, उसकी एक थाली भर के हमारी बूंदी बनी है, एकदम बारीक बूंदी बनी है। देखिए बिगर झारे के चीनी हमारी मेल्ट हो चुकी है, 2 मिनट पकाएंगे इसको। चीनी हमारी पक चुकी है, अब इसमें बूंदी डालेंगे। एक मिनट पकाएंगे इसको। इस समय इलायची पाउडर डाल देंगे इसमें। एक मिनट हो चुका है, अब गैस बंद कर देंगे, इसको ठंडा करने के लिए रखेंगे। 2 चम्मच हमने खरबूजे के बीज लिए हैं, इसको रोस्ट करेंगे। हिलाते रहना है।
चटकने नहीं लग जाए जब तक इसको सेकना है। बीज हमारे चटकने लग गए हैं। अब ये एक चम्मच हमने ड्राई फ्रूट लिया है, बादाम पिस्ता लिए हैं हमने, इसको हल्का सा रोस्ट करेंगे। हमारे सीख चुका है ये, इसको किसी प्लेट में निकाल लेंगे हम ताकि और जले ना ये, इसको ठंडा करेंगे। मिक्सचर हमारा ठंडा हो चुका है, देखिए इसमें ये बीज मिला लेंगे, इसको मिला लेंगे। बीज हमने मिला लिए हैं, अब इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। चलिए लड्डू बनाना शुरू करते हैं। हाथ में थोड़ा पानी लगा लेना है, इसको उठा लेना है ऐसे। ये देखिए चलिए सारे लड्डू बना लेते हैं हम। ये देखिए हमारे लड्डू बन चुके हैं, मोतीचूर के लड्डू। ये देखिए क्या शाइनिंग है, क्या कलर है इसका। आज हमने पॉलीथीन की थैली से बनाए हैं, जारे से नहीं बनाए हैं। एकदम बारीक बूंदी बनी थी हमारी। चाशनी में बूंदी डालते समय 1 या 2 मिनट इसको पकाना है, जब तक बूंदी गल ना जाए, उसके बाद ठंडा करके इसके लड्डू बनाने हैं। आप भी इस तरीके से बनाइए एक बार, बहुत ही टेस्टी बनते हैं, अच्छे बनते हैं। क्या टेक्स्चर है इसका, शाइनिंग देखिए इसकी कैसी है। वाह, गजब। थैंक यू।